अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि इटली में पढ़ाई की जाए, तो उसके लिए आपने बिल्कुल सुना होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर अपोस्टाइल चाहिए, लीगलाइजेशन चाहिए, एचआरडी चाहिए, ट्रांसलेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट ये क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस आपको करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पर होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या चार्जेस होते हैं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अटेस्टेशन मतलब क्या होता है? अटेस्टेशन कुछ नहीं है, ये आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टडी मैं अभी बात कर रहा हूँ, सो जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर कुछ स्टैम्प्स करवाने हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, इंडिया से। अब ये स्टैम्प्स आपको क्यों चाहिए? बिकॉज देन स्टैम्प्स के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक हो जाते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी दूसरी कंट्री में प्रेजेंट करेंगे तो ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेंगे आपके बिहाफ पर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं इंडिया में, एंड दैट दे आर ऑथेंटिक फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, सो इन्हें आप दूसरी जगह यूज कर सके। अब इसी प्रोसेस में सबसे पहले आपका आता है एचआरडी। एचआरडी में क्या होता है, आपका ये स्टेट लेवल का अटेस्टेशन होता है, ये स्टेट लेवल के स्टैंप होते हैं। इसमें आपके जो हाईएस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, लेट अस से आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचलर्स के डॉक्यूमेंट, और बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ के डॉक्यूमेंट्स पर जो अटेस्टेशन होने वाले, जो स्टैम्प्स होने वाले हैं, वो आपको करवाने हैं हाईएस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर, आपकी बैक साइड पर। अब बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, दोनों में आपको अटेस्टेशन करवाने हैं। अब अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 10th और 12th दोनों डॉक्यूमेंट या दोनों मार्कशीट्स पर आपको अटेस्टेशन करवाना है, एचआरडी करवाना है। वेरस मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका डिग्री हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, एंड योर ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स पर अटेस्टेशन लगेंगे। अब ये जो एचआरडी का प्रोसेस है, ये आपको कहाँ से करवाना है? ये एचआरडी आपको करवाना है जहाँ से आपने एजुकेशन किया है, जिस स्टेट से, उस स्टेट के कैपिटल से करवाना है। इन केस आपने इंदौर से एजुकेशन किया है तो आपको भोपाल से करवाना है, बिकॉज मध्य प्रदेश के लिए कैपिटल वो रहेगा। सिमिलरली जो भी आपका स्टेट है, अकॉर्डिंगली आपको वो करवाना है। नाउ जाना कहाँ है आपको? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, जो कि हर स्टेट का अपना होता है, वहाँ से आपको एचआरडी करवाना है। एचआरडी की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि एचआरडी जो है वो स्टूडेंट को खुद जाकर करवानी पड़ती है। दैट मीन्स यू कैन नॉट सेंड योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स और एनीवन टू गेट दिस पार्ट डन। आपको खुद एचआरडी ऑफिस जाना है, और आपके बैचलर्स हो मास्टर्स हो, आपको खुद ये अटेस्टेशंस करवाने हैं। अब एचआरडी में आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं? वैसे तो एचआरडी फ्री होता है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टेट यू आर फ्रॉम। हो सकता है आपके स्टेट में चार्जेस लगते हो सकता है फ्री में भी हो जाए, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स स्टेट वाइज। नाउ अब इसमें कितना टाइम लगेगा? हियर ऑल्सो थिंग्स रिमेन सेम, इट कैन गो फ्रॉम 1 day टू इवन 30 days, वो एक दिन से लेकर 30 दिन का भी समय लग सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड दैट योर स्टेट हैज एट द टाइम, सो मे बी 4 दिन, 6 दिन, मे बी 1 महीना। नाउ इसकी वैलिडिटी की बात करें कि कब तक ये अटेस्टेशन आप यूज कर सकते हैं एचआरडी के, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपने करवा लिया तो आपको एचआरडी वापस करवाने की जरूरत नहीं है। नाउ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ये करवाने के लिए क्या लगेगा आपको? आपको लगेगी जेरोक्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स जो आप करवा रहे हो, उसकी जेरोक्स लेकर चलिए। पासपोर्ट लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अलॉन्ग विथ ऑफर लेटर ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको वो जरूर चाहिए। अलॉन्ग विथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, एंड प्रेफरेबल है कि अगर आपके स्टेट में चार्जेस लगते हैं तो आप कैश जरूर कैरी करिएगा इस प्रोसेस के लिए। नाउ नंबर 2 हियर इज अबाउट अपोस्टाइल। एचआरडी के बाद अब आपको अपोस्टाइल करवाना है। अपोस्टाइल कहाँ से होगा? स्टेट के बाद नाउ यू विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल लेवल का अटेस्टेशन है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर चल रहे थे 10th 12th हो गया, या आपके जो भी बैचलर्स का है, वो डॉक्यूमेंट्स पर ही आपको वापस से करवाना है। इसमें आपको स्टैम्प्स लगेंगे अलॉन्ग विथ स्टिकर लगेगा, दैट वुड बी योर अपोस्टाइल। अभी सेंट्रल लेवल का अटेस्टेशन है तो ये कहाँ से होगा? ये होगा आपके MEA ऑफिस से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। दैट मीन्स सेंट्रल मतलब दिल्ली में होगा ये वाला अटेस्टेशन आपके। अब इसके चार्जेस की बात करें तो ये आपको एक एजेंट के थ्रू करवाना है ये वाला पार्ट, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके एजेंट आपसे कितना डिमांड कर रहे हैं, सो इट वेरीज कम्प्लीटली फ्रॉम एजेंट टू एजेंट। अब इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपको 2 से 3 दिन में भी आराम से करवा सकते हैं आप थ्रू एन एजेंट। वैलिडिटी की बात करूं तो इट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ, दैट मीन्स अगर आप वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा पहले आप ये वाला पार्ट ना करवाएं, क्योंकि 6 महीने की ही वैलिडिटी है। दैट मीन्स आपका वीज़ा उस पीरियड में हो जाना चाहिए, वो प्रोसेस भी आपका कंप्लीट करना है आपको विद इन टाइम। नाउ इफ आप जनरल ये वीडियो देख रहे हो तो आपने लीगलाइजेशन के बारे में भी सुना होगा, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट, बिकॉज लीगलाइजेशन वाला जो पार्ट है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर योर स्कॉलरशिप, जो कि बहुत लास्ट में आता है। सो इफ यू वॉन्ट दैट वीडियो ऑल्सो, लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. वैसे ट्रांसलेशन में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हर किसी को ट्रांसलेशन नहीं करवाना है, बिकॉज ट्रांसलेशन इज एप्लीकेबल अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में है. लेट अस से आपने हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी है, दैट मीन्स दैट इज़ वेर यू नीड टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट्स टू इटालियन लैंग्वेज. इन केस इंग्लिश में आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है. अब ये आपको कहाँ से करवाना है, इसके लिए इटालियन ऑथोराइज ट्रांसलेटर्स प्रेजेंट हैं इंडिया में, उन्हीं से आपको ये ट्रांसलेशन करवाना है. अब इस ट्रांसलेशन में वो आपको स्टैंप लगाकर देते हैं, सील एंड सिग्नेचर करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर टू मेक इट ऑथेंटिक, और वो ट्रांसलेशन वैलिड हो जाता है. अब ट्रांसलेशन के चार्जेस की बात करें तो दिस इज आल्सो डन थ्रू एन एजेंट. ये भी आपको एजेंट के थ्रू ही करवाना है. सो अगेन इट विल डिपेंड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट एजेंट्स. तो आप पूछेंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, सो दिस विल टेक रफली 4 to 5 days ऑफ योर्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. सो यस, दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. अब आपको योर टॉपिक सोच रहे थे तो बिल्कुल कॉमेंट में हमें बताइए, वी विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू. एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.